ये ऐसा क्यों लग रहा है? हैप्पी हैप्पी केक इसमें भरी थी बहुत ज्यादा हवा। हवा नहीं होती वो बेटे, डोंट कॉल द हवा, हवा नहीं होती वो, उसको उसको जो है ना ठीक रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, जो खराब ना हो, उसके अंदर नाइट्रिक कोई ऐसा कुछ नाम होता है इनसे, मेरे को पता नहीं है उसका, नाइट्रोजन या कुछ ऐसी चीज, नाइट्रिक। इतनी सी जगह क्यों छोड़ दी इन्होंने? हाँ यार ये गलत है, देखो है? ये देखो देखो हैप्पी हैप्पी पार्ले का है, पार्ले थोड़ा सा जगह बना देता है, देखो बड़ा पैकेट छोटा धमाका, देख रहे हो ना, तो गलत बात है ना, 1 2 3 जबकि 4 आते हैं, बल्कि ये होना चाहिए था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ हो गया बड़ा पैकेट छोटा धमाका। हैप्पी हैप्पी पार्ले वालों भाइयों जरा देखो, 4 पीस तो हो जाते कम से कम, क्या रुपए का आयु है, क्या रुपए का, 10 रुपए का है, 10 रुपए में तो इतना ही मिलेगा, 35 ग्राम लिखा हुआ है इसमें, 10 रुपए, 10 रुपए तक तुरतुरे ले आता है, इससे बढ़िया तुम्हें किसे खाने से बढ़े, 10 रुपए तक तुरतुरे खा लो आप, इतना जरा सा क्यों निकलता है, पिन्नू सा खा रही हूँ मैं, कह रही हूँ जीशा नहीं आया इसमें मुझे, क्यों उसको ब्रिटानिया के ज्यादा अच्छे यार, मैं जो है ना वहाँ से लेके आ गया था ये रिलायंस है ना, कि चलो टेस्ट करके देखते हैं पार्ले का भी और ब्रिटानिया का भी, बट ये मुझे पता चला कि पार्ले से ज्यादा टेस्टी ब्रिटानिया के हैं, ठीक है वो और भी ज्यादा सॉफ्ट है, बाकी पार्ले भी ऐसे नहीं कि बेकार है अपनी, नहीं पार्ले की कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बनाता है कुछ चीजें, मुझे इसमें मजा नहीं आया, इसके अंदर मजा नहीं आया, हाँ बस ब्रिटानिया के, हाँ ये एक चल ठीक है, 3 पीस दिए, वेस्ट थोड़ा जाने देंगे, खा लेंगे चाय के साथ। हाँ देखो पैकेट दिख रहा है ना, फूल फूलने से पता चल रहा होगा आपको कितनी फुलावट है इसमें, हवा भर रखी थी, हवा नहीं सॉरी बताओ भाई, इन्होंने बोला है ना पहले हवा भर रखी थी, हवा भर रखी तो ऐसी तो होगा, सामने वाला तो कैच ही करेगा, गलत गलती से खाओगे तो ऐसे होगा, इसमें हवा नहीं भरते, इसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं आई थिंक सो, इफ आई एम राइट, तो आप भी मेरे को बता दीजिए क्या फील करते हैं इसके अंदर, देसी लैंग्वेज में तो हवा ही बोलेंगे ना भैया, हवा हवा भर रख के, हवा ऑक्सीजन से तो सड़ जाएगा ही अगर ऑक्सीजन भर दिया तो इसके अंदर, जितने चिप्स विप्स के पैकेट इतने फूले फूले क्यों रहते हैं वो, उसका रीजन यही है कि उसके अंदर वो डाले जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आई एम राइट, नाइट्रोजन जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है, सर्च करके देखता हूँ इसमें वो चल रहा है, नाइट्रोजन ही भरते हैं शायद, सर्च करता हूँ, ओ मैन अभी गूगल अभी बताएंगे आपको ये बाकी जहां तक यार मैं ठीक हूँ, चलो सर्च करके बताना फिर, ओह आई सो आई एम राइट ब्रो, देखो मैंने सर्च करके देखा था ना, व्हिच एयर फिल्ड इन द लेज चिप्स पैकेट, ये ना देखो नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस, यू मैन यू आर राइट यू मैन, ये जो मेरी चीजों के पीछे की जानने की जो इच्छा है ना, उसकी वजह से ये सब चीजें सीख पाता हूँ मैं, इसके अंदर ऐसा क्या भरते हैं, ये हवा ये नाइट्रोजन भरी जाती है जिससे कि खराब ना हो, समझ गए मेरी बात को, जितने भी पैकेट फूड होते हैं ना, जितने भी पैकेट फूड होते हैं उनके अंदर सब देखो, यही भर, जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, असल में लोग को नहीं पल्ले पड़ेगा ये वर्ड, बट हम बोलेंगे हवा भरी है, हवा ये खा लो समझ गए ना, देख लो ना, अब कोई भी जाए, मानो ये नॉर्मल लोग, हाँ चलो हम लोग ऑक्सीजन, अगर इसके अंदर हवा तो भाई ऑक्सीजन ये हो गया ना, वो भर दिया तो सारा खराब हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, सारे जितने भी पैकेट फूड होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करी जाती है, देखो जैसे लेज वगैरह खाओ तुम लोग, उसमें वही भरा होता है नाइट्रोजन गैस, पर कहते हैं क्या यार फुला के देख दिया, हवा भर के देख लो भाई, सही बताया डूडल ने, डूडल क्या सही बताया, नाइट्रोजन, तो चलो इतना सा खा लो, तो मैं जीत चुका, अब हार चुके, हर जीत का फैसला है, चलता रहता है चलो भाई, चलो एक चीज और सीख ली कि हाँ ये कंफर्म हो गया कि दिस इज नाइट्रोजन गैस, यानी कि मैं ठीक था, बहुत टाइम से अभी पढ़ा नहीं है ना, कोई नहीं, थोड़ा सा बहुत धूल जम चुकी है किताबों पे, किताब वाला नहीं है ये पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें हाँ बताई जाती है स्कूल में कि ये, अजी स्कूल में ये मेरा कद्दू, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ कुछ स्कूलों में नहीं बताया, पढ़ाया मैंने इच्छा, हाँ इच्छा हो तो वो अपने आप अलग से स्टडी कर सकते, पहले की पढ़ाई पता है कैसी होती थी, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे बस, ले काम कर ले, दिखा ये उतार ले सामने से, नकल कर लो, सुलेख कर लो, हाँ यही होता है, यही ब्लैक बोर्ड पे ऐसी चीजें कहाँ बताते थे, ब्लैक बोर्ड पे अपना वो अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते थे पहले के टीचर्स, और अब वाले, अब वाले भी ऐसे ही हो रहा है हाल, कुछ लोग करते करते भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, बेचारे यूट्यूब पे भी लगे रहते हैं,
तो भी उनको नहीं मिलता भाई ना, फ्री की चीज लोगों को भाती नहीं। फालतू की चीजों में उलझा रखा है। अटेंडेंस हाँ। भरो, तीन तीन जगह अटेंडेंस दो, ये भरो, उसका डाटा भरो, ये करो, पढ़ाई छोड़ के सारे काम स्कूल में कराए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें तो कुछ मिले, जो नहीं कर रहे उनकी बात ही अलग। वो तो फेविकोल लगा के आते हैं पीछे और जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं शाम को 6 बज गए, चलो अटेंडेंस मान ले छुट्टी हो गया टाइम, अरे 10 मिनट है, यहाँ पे रुक जा रुक जा, चलते हैं चलते हैं, अभी छुटता है फेविकोल उनका। चलो ठीक है, चलो सरकारी स्कूल का बता रहे हो। मैं किसी स्कूल का नहीं बता रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है भाई, जो मेहनत करे भाई, गवर्नमेंट तो करती है बहुत सारी चीजें ऐसी, पर कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट वेस्ट करते हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट है, वो कैसे बैलेंस है, लेकिन अंदर के जो है ना कुछ जगह घुन लगा हुआ है जिसे बोलते हैं ना, वो चीज को सही सेटअप नहीं करने देते। कुछ जगह बहुत अच्छा है, नहीं मेहनत कर रही है गवर्नमेंट का, अगर मैं देखूँ ना कुछ जगह तो लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीजें कर रही है स्कूल में कई जगह, बट क्या है ना वो उसका मैनेजमेंट एकदम जीरो है, उसके ऊपर कोई है नहीं, जो करने वाले वही बेकार है जो करा रहे हैं ऐसे करके, पता नहीं ये बिल्कुल ऐसा सब सिस्टम हो रहा है भाई। मेरे को नहीं बात करनी सब चीजों के बारे में। मैकबुक को साफ करते हुए लव कुमार सोनी, ओ मैन आ जाओ मैकबुक साफ करा लो। 50 रुपए में मैकबुक साफ। हाँ तो कर लो मैकबुक साफ 50 रुपए में। तुम्हारा मुंह क्यों लाल हो रहा है? मेरा मुंह लाल हो रहा है। अच्छा ये पिंक चमक रहा है ना इसमें से, मैं बड़ा डर गया यार, वो तो नहीं पी लिया मैंने प्री वर्कआउट, उनके मुंह लाल हो जाते हैं जिम में, मैं देखता था प्री वर्कआउट पी लेते थे और मुंह कान लाल भपका मारते थे पूरे, ऐसे बीपी हाई कर लेते थे भाई। क्या होता है ये प्री वर्कआउट? उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होती है और दो तीन चीज़ें, एक कॉम्बिनेशन होता है, क्रिएटिन होता है उसके अंदर। ऐसे नहीं पीनी चाहिए ना, कैफीन होता है नहीं, जो वो करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करते हैं या बहुत मतलब जो मेन प्रोफेशनल है ठीक है, अब नए नए बच्चे जाके ले रहे हैं वहाँ पर, वही ले लो 1500 का डब्बा है ये पी लियो मजा आ जाएगा, उस तिल्ली सा उसका शरीर, उसे प्री वर्कआउट तुमने पिला दिया उसके लिए ठीक नहीं है। मुझे तो पता नहीं वरना मैं बता एड्रेनालिन, एड्रेनालिन क्या होता है, जब हमारे बचाव करने की वो आती है ना बॉडी में तो वो ऐसे एक हार्मोन निकलता है बॉडी से, जैसे कुत्ता पीछे भाग लिया आपके तुरंत, अच्छा अब एकदम भाग जाओगे कूद जाओगे, तो वो एक ऐसा हार्मोन निकलता है ब्रेन से निकलता है, पता नहीं एड्रेनालिन बोलते हैं उसको, कर गुजरने की क्षमता हो जाती है, तुम कितना भी वेट मार लोगे पर वो ठीक नहीं है बार बार निकालना, क्योंकि उससे क्षति भी पहुंचती है, क्षति बोलते हैं ना, क्षति भी पहुंचती है उससे शरीर को। तो भैया अपना हो चुका है, क्या बोलते हैं एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एड्रेनालिन एड्रेनालिन, यार मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा, जबान मेरी सजा पर रही, बहुत दिन से मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है अपने बोलने पर। तो गाइस हो चुका है क्लीन, मैंने इसको कर लिया है क्लीन, अब ऊपर से भी इसको कर देता हूँ क्लीन। आप भी सर्च कर रहे हो कि मेरे साथ ये भी सीख जाएगी बहुत सारी चीजें। चलो आती है क्या ये प्री वर्कआउट इम्यूनोज, बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी बिल्डिंग में। एड्रेनालिन क्या? एड्रेनालिन एड्रेनालिन ना एड्रेनालिन इन द बिगिनिंग, सुनो इन द बिगिनिंग वो रहा वैसे तो वो एक उसमें देगा इन द बिगिनिंग चाय पी लूं, भूल गई बातों में काम कर रहा। कोई इंजेक्शन वगैरह भी होते हैं ना इसके? हाँ भाई लिख के आ गया एकदम सर्च करते ही। ओ भाइयों अगर आपने अभी जिम शुरू करा है ना तो मत लेना, ये सब होंगे साल भर भी तो भी मत लेना, आप ले लेना लेकिन पहले अपने कोच से कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है ना, कोच का तजुर्बा देखें कितने साल हो गए, ठीक है उस हिसाब से आप देखो, क्योंकि वो जो सजेस्ट करेंगे वो ठीक ही करेंगे। लेकिन वो फील्ड की बात भी तो होती है ना लव जी, क्या कि अगर आप प्रोफेशन इसमें ही जा रहे हो बॉडी बिल्डिंग में तो ये कोच से बात करें, अदरवाइज नॉर्मल ये वाली फील्ड जो हो जाती है इंजेक्शन गोलियों डॉक्टर की फील्ड हो जाती है, कोच का वो ट्रेनर अलग होता है, न्यूट्रिशन अलग होता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, वर्कआउट जो कराते हैं उन्हें डाइटिशियन वाले डाइटिशियंस अलग होते हैं, तो ऐसे फील्ड होती है, वो ट्रेनर गोलियां दे रहा है ये तो सब वो गलत है ना, तो वो चीज गलत है, पहले कंसल्ट करो डॉक्टर है डॉक्टर से हिसाब से। और बाकी भाइयों जो तजुर्बेकार है वो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दूरी रहना, 18 साल की उम्र के बच्चे 18 माइनस वाले।
चलो भाई हो गया अपना काम, ठीक है।